हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। होप यू आर डूइंग वेल। सो टुडे वी विल डिस्कस कम्युनिकेशन मिक्स। कम्युनिकेशन मिक्स को हम लोग एक और नाम से जानते हैं, प्रमोशन मिक्स। अब प्रमोशन मिक्स या फिर कम्युनिकेशन मिक्स होता क्या है? ये एक कॉम्बिनेशन होता है वेरियस प्रमोशन टूल्स का। जब हम लोग किसी से कम्युनिकेट करते हैं तो उसमें वेरियस टूल्स का यूज़ करते हैं, जैसे कि टीवी हो गया, जैसे कि फ़ोन हो गया, तो उन सब के कॉम्बिनेशन को कहा जाता है कम्युनिकेशन मिक्स। तो ये यूज़ क्यों किया जाता है? क्योंकि अगर मुझे किसी के साथ बातचीत करनी है, अपनी ऑडियंस के साथ कोई चीज़ शेयर करनी है, अपने कस्टमर के साथ कोई इन्फॉर्मेशन शेयर करनी है, तो हम लोग जिन टूल्स का यूज़ करेंगे उसे कहा जाता है कम्युनिकेशन मिक्स या फिर प्रमोशन मिक्स। मूविंग फर्दर, इसकी डिटेल जानने से पहले हमें बताना चाहिए कि मार्केटिंग मिक्स क्या होता है। मार्केटिंग मिक्स को 4 P's के नाम से जाना जाता है, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन। ये हमें हमेशा याद रखना है, 4 P's आर प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन। मूविंग फर्दर, प्रमोशन मिक्स, अभी हम लोगों ने पढ़ा कि प्रमोशन मिक्स क्या होता है, कि ये कॉम्बिनेशन होता है प्रमोशन के टूल्स का। अब प्रमोशन के टूल्स 6 types के होते हैं, जो कि है हमारे पास एडवर्टाइजमेंट, सेल्स प्रमोशन, पब्लिसिटी, पर्सनल सेलिंग, डायरेक्ट मार्केटिंग एंड इंटरनेट मार्केटिंग। तो ये जो 6 major टूल हैं हमारे पास प्रमोशनल टूल्स के, जिनको यूज़ करके हम अपनी ऑडियंस, हम अपने कस्टमर्स के साथ बातचीत करते हैं, कोई इन्फॉर्मेशन को शेयर करते हैं। अब हम एक वन बाय वन करके हर प्रमोशन टूल को स्टडी करेंगे। फर्स्ट वन इज एडवर्टीजमेंट। अब एडवर्टीजमेंट क्या होता है? ये एक तरह का पेड फॉर्म या पेड टूल होता है, जिसमें, और ये नॉन पर्सनल कम्युनिकेशन टूल होता है। अब नॉन पर्सनल क्यों कहा गया? क्योंकि इसमें हमारा डायरेक्ट कॉन्टेक्ट नहीं होता सामने वाले पर्सन से। अब लाइक हम लोग टीवी पे किसी से कोई एडवर्टीजमेंट देखते हैं किसी भी प्रोडक्ट का, तो अब उसमें हमारा कोई डायरेक्ट कॉन्टेक्ट नहीं होता, फेस टू फेस कम्युनिकेशन नहीं होता, तो इसीलिए इसको क्या कहा गया है, नॉन पर्सनल कम्युनिकेशन टूल। नॉन पर्सनल, जिसमें कोई डायरेक्ट कॉन्टेक्ट नहीं है। और ये पेड फॉर्म होता है क्योंकि अगर कोई भी कंपनी है, किसी का भी प्रोडक्ट है, अगर कुछ उसे ऐड देना है, चाहे उसे टीवी में देना है, रेडियो में देना है, न्यूज़पेपर में देना है, कहीं पर भी एडवर्टीजमेंट देना है, तो उसे पैसे देने पड़ेंगे, पेमेंट करनी पड़ेगी, तो इसलिए पेड कहा गया है। और डायरेक्ट कॉन्टेक्ट नहीं होता तो इसलिए कहा गया है नॉन पर्सनल मोड। मूविंग फर्दर, ये हमारा ऑलमोस्ट सबसे ज़्यादा अच्छा टूल होता है हमारा प्रमोशन के लिए, कोई भी चीज़ को आगे प्रमोट करने के लिए, क्योंकि ये हमारा लार्ज मास को कवर करता है, मतलब कि लार्ज ऑडियंस को कवर करता है। तो अगर हमारा लार्ज ऑडियंस को कवर करेगा तो हमारा पर पर्सन जो कॉस्ट आती है वो बहुत कम आती है, तो ये बहुत ज़्यादा एफिशिएंट प्रमोशनल टूल कहा जाता है। मूविंग फर्दर, नेक्स्ट वन इज़ हमारे पास पर्सनल सेलिंग। अब पर्सनल सेलिंग तो हमें नाम से पता चल रहा है, जिसमें हम खुद से जाके कोई चीज़ सेल करते हैं। अब जैसे हमारे घरों पे कभी कभी सेल्समैन आ जाते हैं। अब सेल्समैन कुछ भी चीज़, कोई भी प्रोडक्ट उनके पास होता है, चाहे वो घर की यूज़ हो, चाहे वो बुक्स हो, या कोई भी हमारे पास किसी भी चीज़, कोई भी प्रोडक्ट हो, अब वो बताएंगे, पहले डिटेल्स बताएंगे उसके बारे में, डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाएंगे कि ये चलता कैसे, इसका बेनिफिट कैसे है। तो इसमें क्या रहता है, हमारा फेस टू फेस हमारा कॉन्टेक्ट रहता है, हमारा सेलर और ऑडियंस या फिर सेलर और कस्टमर के बीच में डायरेक्ट कॉन्टेक्ट रहता है, पर्सनल कम्युनिकेशन होता है। ये सबसे अच्छा मोड माना जाता है कस्टमर्स रिलेशनशिप को बिल्ड करने के लिए। तो ये है हमारे पास सेकंड मोड, विच इज़ पर्सनल सेलिंग। नेक्स्ट वन इज़ पब्लिसिटी। अब पब्लिसिटी, हमेशा ये चीज़ ध्यान रखनी चाहिए, पब्लिसिटी इज़ अनपेड या फिर नॉन पेड फॉर्म ऑफ नॉन पर्सनल कम्युनिकेशन। इसमें भी हमारा कोई पर्सनल कम्युनिकेशन नहीं होता, डायरेक्ट कॉन्टेक्ट नहीं होता, और ये अनपेड होता है, मतलब कि अगर कोई भी पब्लिसिटी हो जाती है जिसमें मैं खुद से, कोई ऑर्गेनाइजेशन खुद से पब्लिसिटी नहीं करवा सकती, लाइक खुद से पेमेंट करके पब्लिसिटी नहीं होती। कई बार ऐसा होता है कि कोई चीज़ बहुत ज़्यादा फेमस हो जाती है तो न्यूज़ रिपोर्टर खुद से उस चीज़ को रिकॉर्ड करने के लिए, उस चीज़ को प्रमोट करने के लिए आते हैं। तो ये क्या है, इसलिए कहा जाता है कि अनपेड फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन होता है। पर
हमें इसे फ्री नहीं मानना चाहिए। फ्री का मतलब क्या होता है कि ये ऐसा नहीं है कि ये हमारे पास फ्री मोड ऑफ कम्युनिकेशन है। अब अगर मैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए कोई भी पब्लिसिटी स्टंट नहीं करवा रही हूँ या पब्लिसिटी नहीं करवा रही हूँ तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये फ्री हो गया। अब अगर मान लो कोई न्यूज़ रिपोर्टर आया है कोई चीज़ को रिकॉर्ड करने के लिए तो उसके तो चार्जेस लग रहे हैं ना, वो तो खर्चा कर रहे हैं, तो वो हमारे लिए वो फ्री नहीं हुआ, वो उनके लिए तो पेड हुआ पर हमारे लिए क्या हुआ, फ्री हुआ। इसीलिए हमारे लिए तो वो क्या कहा जाता है, अनपेड फॉर्म ऑफ प्रमोशन। मूविंग फर्दर, अब आपके पास है फोर्थ वन विच इज सेल्स प्रमोशन। अब सेल्स प्रमोशन क्या होता है, ये हमारे पास डायरेक्ट इंड्यूसमेंट विच ऑफर्स एन एक्स्ट्रा वैल्यू एंड इंसेंटिव्स फॉर द प्रोडक्ट। जब किसी प्रोडक्ट की हम लोग उसके ऊपर कुछ एक्स्ट्रा वैल्यू क्रिएट करके देते हैं, जैसे कि मान लो कोई चीज़ सेल लग गई या गेट वन फ्री वाली ऑफर आ गई, एक के ऊपर एक वाली फ्री हो गई या एक के ऊपर दो हमें फ्री मिल रहा है, कुछ ऐसी ऑफर या डिस्काउंट ऑफर मिल गई, तो ये होता है हमारे पास सेल्स प्रमोशन, जिसमें हमारा प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होता है कि इमीडिएट सेल को इंक्रीज करना। मतलब कि हमें तभी के तभी उस चीज़ का रिजल्ट चाहिए, क्योंकि अब क्या रहता है, अगर डिस्काउंट होता है तो वो कुछ हमारे लिमिटेड टाइम के लिए ही होती है डिस्काउंट पीरियड, कि ये 10 दिन की सेल है तो हमें उसका रिजल्ट, हमारे जो डिस्काउंट है हमारी सेल है उसका रिजल्ट उन 10 दिनों में ही मिल जाता है, तभी के तभी हमारी सेल इंक्रीज़ हो जाती है। तो ये क्या है, अगर मुझे इमीडिएट अपने सेल्स को इंक्रीज़ करना है, इमीडिएट इफ़ेक्ट्स निकालना है, तो मैं क्या करूँगी, सेल्स को प्रमोट करूँगी, सेल्स प्रमोशन टूल्स को यूज़ करूँगी। अब ये हमारे 3 टाइप के होते हैं, जैसे कि कस्टमर ओरिएंटेड सेल्स प्रमोशन, जिसमें हम लोग कस्टमर्स के ऊपर ध्यान देते हैं, मतलब कस्टमर्स को डिस्काउंट दे, कस्टमर को कोई भी ऑफ़र दे, बाय वन गेट वन वाली फ्री वाली ऑफ़र दे दी। अब एक तरह का होता है हमारे पास मिडल मैन ओरिएंटेड। मिडल मैन कौन होते हैं, मिडल मैन होते हैं हमारे पास होलसेलर्स, रिटेलर्स, ठीक है, जो हमारा मैन्युफैक्चरर और हमारे जो कस्टमर्स हैं उनके बीच में जो रोल प्ले करते हैं वो होते हैं हमारे पास मिडल मैन। तो मिडल मैन के बेनिफिट के लिए भी सेल्स प्रमोशन टूल्स का यूज़ कर सकते हैं। अब उनको कैसे हम लोग बेनिफिट देंगे कि आप ज़्यादा स्टॉक परचेज कर सकते हो हमारे होलसेलर्स, सॉरी हमारे मैन्युफैक्चरर से, आप डिस्काउंट पे ही चीज़ उठा सकते हो, अगर ज़्यादा ज़्यादा उठाओगे, ज़्यादा बल्क में लोगे सामान मैन्युफैक्चरर से, आपको डिस्काउंट मिलेगा, या फिर आपको क्रेडिट की फैसिलिटी, मीन्स आप उधार भी ले सकते हो। तो हम लोगों ने ये ऑफ़र दी मिडल मैन को। अब एक और ऑफ़र हम लोग एम्प्लॉयज़ को भी दे सकते हैं। एम्प्लॉयज़ को कैसे, कि अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा हमारे प्रोडक्ट को सेल करोगे तो आपको और ज़्यादा कमीशन मिलेगी, आपको फ्री गिफ्ट्स मिल सकते हैं, आपको कोई ट्रिप मिल सकता है, आपको बोनस मिल सकते हैं। तो 3 तरह से हम लोग अपने प्रमोशन टूल का यूज़ कर सकते हैं, कंज्यूमर के ऊपर भी, मिडल मैन के ऊपर भी और एम्प्लॉयज़ के ऊपर भी। तो ये है हमारे पास, जिसका हमारा प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होता है तभी के तभी सेल को इंक्रीज़ करना। मूविंग फर्दर, आगे आपके पास डायरेक्ट मार्केटिंग। अब डायरेक्ट मार्केटिंग क्या रहता है, इट एनकरेज द कस्टमर्स टू डायरेक्टली परचेज द गुड फ्रॉम मैन्युफैक्चरर, जिसमें हम लोग कस्टमर्स को एनकरेज करते हैं कि आप मैन्युफैक्चरर से सीधा ही सामान परचेज करें। अब इसमें हम लोग सीधा कैसे परचेज कर सकते हैं, लाइक अगर हम लोग टीवी पे एडवर्टीजमेंट देखते हैं, जैसे हमारे पास होम शॉप 18 का हो गया, सबसे पहले जब हमारा सोशल नेटवर्किंग साइट्स इतना ज़्यादा एक्टिव नहीं थे तो हम लोग टीवी पे सबसे ज़्यादा जो फेमस था वो था हमारे पास होम शॉप 18, है ना, तो उससे हम लोग परचेज कर लेते थे। टेली मार्केटिंग होगी, मतलब कि हमारे पास कॉल आया कि ऐसा ऐसा प्रोडक्ट है, ऐसे ऐसा डिस्काउंट ऑफर्स हैं, तो उनको यूज़ करके, तो ये भी हमारा डायरेक्ट मार्केटिंग में होता है। मोबाइल फ़ोन मार्केटिंग, अब मोबाइल फ़ोन में जैसे कि मान लो हमारे पास कोई SMS आ गया कि SMS की ऑफ़र, जैसे अगर हमारा रिचार्ज ख़त्म होने वाला होता तो कई हमारे फ़ोन पे नई ऑफ़र्स के, नई स्कीम्स के मैसेज आने लगते हैं, तो ये क्या है हमारे पास, मोबाइल फ़ोन मार्केटिंग। थर्ड वन जो है हमारे पास डायरेक्ट मेल। डायरेक्ट मेल में क्या करेंगे, जो हमारे प्रीवियस कस्टमर्स हैं या फिर जो भी, मतलब चाहे हमारे कस्टमर ना भी हों तब भी उनको हम लोग क्या कर देंगे, डायरेक्ट मेल। अब कई बार हमारे पास होता है कि हम लोग उस चीज़ को ख़रीदते भी नहीं है, फिर भी हमारे पास उस चीज़ की मेल आ रही होती है, या फिर उस चीज़ का SMS आ रहा होता है, या फिर उस चीज़ की पिक्चर आ रही होती है, तो ये क्या रहता है हमारे पास, डायरेक्ट मेल, जिसमें हम अपने पुराने कस्टमर्स या फिर पोटेंशियल कस्टमर जो कि हमारे फ्यूचर में होने वाले हैं उन कस्टमर्स को भी हम लोग डायरेक्ट मेल कर देते हैं। मेल में ऐसा नहीं है कि हम लोगों ने रिटर्न मेल ही देनी है, हम उनको पिक्चर भी सेंड कर सकते हैं, ठीक है, रिटर्न में कुछ भी सेंड कर सकते हैं।
तो ये रहता है आपके पास डायरेक्ट मार्केटिंग, जिसमें हम लोग अपने कस्टमर्स को एनकरेज करते हैं कि आप डायरेक्टली अपने मैन्युफैक्चरर से परचेज करें, ठीक है। मूविंग फर्दर आपके पास है इंटरनेट मार्केटिंग, जो कि आज के टाइम का सबसे ज़्यादा फेमस मोड है, सबसे ज़्यादा फेमस प्रमोशनल टूल्स हैं। हर ऑर्गेनाइजेशन, हर कंपनी चाहती है कि वो इंटरनेट मार्केटिंग का ही यूज़ करे, मतलब हमारे सोशल मीडिया को यूज़ करके जब हम अपने एडवर्टीजमेंट क्रिएट करते हैं, अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करते हैं, तो वो होता है हमारे पास इंटरनेट मार्केटिंग। क्योंकि हम आज के टाइम पे इवन कि चाहे हमारी यंग जनरेशन हो, ओल्ड जनरेशन हो, चाहे हमारे बच्चे हों, वो भी इवन सोशल मीडिया का यूज़ करते हैं, यूट्यूब का यूज़ करते हैं। तो ये हमारा क्या रहता है, इंटरनेट मार्केटिंग, जिसमें हम अपने प्रोडक्ट को प्रमोट कर सकते हैं थ्रू द हेल्प ऑफ सोशल नेटवर्किंग साइट्स। तो ये कुछ आपके पास प्रमोशनल टूल्स थे 6 टाइप के, विच वर एडवर्टीजमेंट, जिसमें हमारे पास रहता है पेड फॉर्म और नॉन पर्सनल कम्युनिकेशन, पर्सनल सेलिंग, जिसमें हमारे पास डायरेक्ट कॉन्टैक्ट रहता है, थर्ड वन पब्लिसिटी, मतलब जिसमें जो हमारा अनपेड फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन रहता है, नेक्स्ट आपके पास सेल्स प्रमोशन, जिसमें हमारे पास तभी के तभी हम लोगों को अपने सेल्स को इंक्रीज़ करना होता है, नेक्स्ट आपके पास डायरेक्ट मार्केटिंग, जिसमें हम डायरेक्टली अपने कस्टमर्स को इन्फ्लुएंस करते हैं कि आप मैन्युफैक्चरर से ही परचेज करो, और हमारे पास इंटरनेट मार्केटिंग जो हमारा सबसे ज़्यादा फेमस है। आई रियली होप यू लाइक माई वीडियो, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।